गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिकम सेमेस्टर फॉर कॉस्ट अकाउंटेंसी टू आज हम कॉस्ट अकाउंटेंसी टू में अप्रैल 2022 का जो आपका यूनिवर्सिटी का पेपर है उसमें फर्स्ट सम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का वो हम करेंगे आपका 22 में जो अप्रैल में पेपर था वो 50 मार्क्स का था लेकिन सम काफ़ी अच्छा है uh, इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम होगा ट्वेंटी मार्क्स का नहीं पर वो सम होगा फोर्टीन मार्क्स का राइट सो लेट स्टार्ट विद द सेक्शन वन क्वेश्चन वन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग

वन साइड डिस्टेंस वन साइड डिस्टेंस डे इज़ रन डेज़ रन एंड ऑक्यूपाइड सिटिंग कैपेसिटी यानी कि ये आपके पैसेंजर्स दिखाते हैं कि आपके टोटल पैसेंजर्स में अहमदाबाद टू राजकोट में 80 परसेंट फुल होता है और लिमडी में 80 परसेंट लोकल में बैक द सेम वे वर्ड नहीं यूज़ होगा द रीज़न इज दैट इट्स अ लोकल तो वो वहीं पे घूमती रहेगी तो जब यहाँ पर आप अहमदाबाद टू राजकोट और अहमदाबाद टू लिमडी अब जब डिस्टेंस कवर करेंगे तो बैक द सेम वे यानी कि जाती है और वापस आती है इसका मतलब अब एक बार नहीं पर आप मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे क्योंकि वो जाके रिटर्न आएंगी तो मल्टीप्लाई टू आपको करना पड़ेगा जबकि लोकल में आप मल्टीप्लाई बाय टू नहीं करेंगे क्योंकि वो लोकल एरिया है और वहीं पर वो घूमती रहेगी चलिए अदर इन्फॉर्मेशन में बस की कॉस्ट है डेप्रीशन परसेंटेज एनुअल है पर मंथ सैलरी पर मंथ सैलरी ऑफ ड्राइवर कंडक्टर अदर पर मंथ एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल है सिक्स परसेंट रोड टैक्स एनुअल है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ है डीजल कंजम्पशन है एटीन किलोमीटर पर लीटर और जबकि डीजल की जो प्राइस है वो थ्री हंड्रेड रुपीज़ पर लीटर दी हुई है एंड लुब्रिकेंट ऑयल पर मंथ है थर्टी थाउजेंड नाउ द बस्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ फिफ्टी परसेंट यहाँ पर मैंने बताया था ना परसेंटेज दिया है तो आप फिफ्टी परसेंट के वो करेंगे दैट शोज़ द ऑक्यूपाइड कैपेसिटी फ्राम द अबो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट पर पैसेंजर किलोमीटर If he wants to earn 66 सिक्स टू percentage profit on his taking on his taking टेकिंग मतलब उसको जो मिलता है उसके ऊपर profit count करना है Indirectly इसका कहने का मतलब है selling price. Yes, on his taking का मतलब होता है selling price. हमारे पास आएगी cost. तो हमें cost के ऊपर profit करना है तो सिक्सटी सिक्स टू थर्ड परसेंटेज प्रॉफिट ऑन हिज taking. यानी taking को आप selling price के हिसाब से लीजिए तो हंड्रेड percent on cost आएगा Right. तो ये कैसे करते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है कि भाई इतना हो तो इसके कॉस् कॉस्ट पे इतना ये आपको हर जगह मिलेगा आपने जितने भी सेमेस्टर पढ़े हैं हर सेमेस्टर में एक टेबल आता था जिसमें आपको ये करना पड़ता था कि इसके सामने इतना तो कॉस्ट के सामने कितना कैलकुलेट द पैसेंजर फेयर फॉर अहमदाबाद टू राजकोट एंड अहमदाबाद टू लिमड़ी आपको लोकल का नहीं ढूंढना है पर मैं आपको तीनों का ढूंढवाती हूँ चलिए लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम जो भी जगह पे बस रन करती है यानी कि अहमदाबाद टू राजकोट जो बस है जितना भी ट्रैवल करती है तो अहमदाबाद टू राजकोट वो कितना करती है तो अहमदाबाद टू राजकोट वन साइड डिस्टेंस जो दिया है टू हंड्रेड किलोमीटर डेज़ रन यानी कि वो दस दिन दौड़ती है और ऑक्यूपाइड कैपेसिटी एटी परसेंट अभी हम पैसेंजर किलोमीटर नहीं ढूंढ रहे अभी हम सिर्फ टोटल किलोमीटर ढूंढ रहे हैं फिर बाद में पैसेंजर किलोमीटर उसमें कन्वर्ट कर देंगे चलिए अहमदाबाद टू राजकोट तो कैसे हम करेंगे तीनों के लिए तो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर द टोटल किलोमीटर फर्स्ट इज़ किलोमीटर सेकेंड इज़ डेज और अगर वो जाके वापस आती है जैसे हमको लिखा है कि बैक द सेम वे जस्ट गोइंग एंड रिटर्न तो आपको मल्टीप्लाई बाई टू करना है अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई बाई टू नहीं करेंगे तो अहमदाबाद टू तो राजकोट का जो डिस्टेंस है वन साइड डिस्टेंस टू हंड्रेड किलोमीटर अहमदाबाद टू लिमड़ी का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 100 किलोमीटर और जो लोकल है उसका डिस्टेंस है 120 ट्वेंटी किलोमीटर नाउ कितने दिन वो दौड़ती हैं तो इन केस ऑफ अहमदाबाद टू राजकोट लिमड़ी एंड लोकल टेन डेज तीनों केस में वो जाती है यहाँ पर जाकर वापस आती है यहाँ पर जाकर वापस आती है यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि है क्योंकि ये लोकल है ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ फोर थाउजेंड यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट इज टू थाउजेंड और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा दैट इज़ ट्वेल्व हंड्रेड तीनों का हम टोटल करेंगे दैट विल बी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड टोटल किलोमीटर पैसेंजर वर्ड हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे एंड द रीज़न इज़ दैट कि ये हमारा सिर्फ किलोमीटर का कैलकुलेशन का है पैसेंजर इसमें इन्वॉल्व नहीं ओके ना सो पैसेंजर किलोमीटर सिर्फ इसमें हमें पैसेंजर किलोमीटर ऐड कर देने हैं तो अहमदाबाद टू तो राजकोट हमारे जो टोटल किलोमीटर है अहमदाबाद राजकोट के वो है फोर थाउजेंड और उसके सामने हम लिखेंगे पैसेंजर तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किलोमीटर फिर हम लिखेंगे पैसेंजर्स और उसके सामने हम लिखेंगे यूटिलाइजेशन यानी कि जो कैपेसिटी है वो हम लिखेंगे कैपेसिटी ठीक है तो ये किलोमीटर फोर थाउजेंड है राजकोट के पैसेंजर आपके टोटल फिफ्टी हैं और ऑक्यूपाइड कैपेसिटी एटी परसेंट है सो हियर इट विल कम वन लैख सिक्सटी थाउजेंड नेक्स्ट इज़ अहमदाबाद टू लिमडी यहाँ पर हमारा टू थाउजेंड किलोमीटर है फिफ्टी आपके पैसेंजर्स हैं और यहाँ पर भी एटी परसेंट ही कैपेसिटी है तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा एटी थाउजेंड एंड इन केस ऑफ लोकल वी हैव ंड्रेड यहाँ पर हमारे पास जो पैसेंजर हैं वो फिफ्टी हैं और हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज होती है इट मीनस डेट वी हैव सिक्सटी थाउजेंड राइट यहाँ पे आप सीधा फिफ्टी लिखेंगे तो भी चलेगा मेक द टोटल ऑफ दिस थ्री एंड योर आंसर विल बी थ्री लैख दिस इज कॉल्ड टोटल पैसेंजर किलोमीटर आई होप यू गॉट द पॉइंट मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये एक्सप्लेन किया है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम आपको अच्छे से करेंगे तो आपके काफ़ी और सम इसमें सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा चलिए अब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं और उसके लिए आपको पता है फिक्स्ड और वेरिएबल तो यहाँ पे वेरिएबल में देखिए तो uh, बहुत डिफिकल्ट uh, होता है लेकिन कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं लेकिन जिसका हमारे पास पर मंथ एनुअल uh, uh, दिया है जैसे कि ये डीजल कंजम्पशन है ये आपको किलोमीटर वाइज दिया तो ये एक वेरिएबल होगा लुब्रिकेंट ऑयल आप जानते हैं वेरिएबल होगा और एक आप जो आपका डेप्रिशिएशन है दैट इज़ ऑल्सो योर वेरिएबल तो ये तीन आप वेरिएबल ले, ले लेंगे बाकी सब आप फिक्स में डालेंगे तो एक्सपेंस की बात करें तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते एंड इन केस अगर आप इसका वेरिएशन नहीं भी करते हैं फिक्स और वेरिएबल में तो भी चलेगा आप सिंपल सा एक्सपेंस लिख देते हैं तो भी चलेगा ड्राइवर सैलरी पर मंथ ही दी हुई है सो सिक्सटी थाउजेंड कुछ चीजें पर मंथ ही आपके पास है तो आप वैसे ही लिखेंगे देन यू हैव कंडक्टर सैलरी कंडक्टर सैलरी यू हैव पर मंथ थर्टी थाउजेंड तो वो भी आप यहां पे लिख देंगे थर्टी थाउजेंड कंडक्टर सैलरी के बाद यू हैव अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सो आई जस्ट राइट डाउन अदर एक्सपेंस योर अदर एक्सपेंस विल बी वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड ये सारे पर मंथ ही हैं तो मैं एज इट इज़ लिख दे रही हूँ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड देन वी हैव इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल सिक्स परसेंट तो मैं यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल सिक्स परसेंट प्रीमियम किसका होता है कॉस्ट ऑफ द मशीन कॉस्ट ऑफ द बर्स कॉस्ट ऑफ द असेट तो यहाँ पर सिक्सटी लैख सिक्सटी लेख का सिक्स परसेंट एंड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व क्योंकि ये एन्यूअल है तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी थर्टी थाउजेंड ओके इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद आता है नेक्स्ट इज रोड टैक्स एनुअल सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रोड टैक्स एनुअल दिया है हमको लेना है पर मंथ तो योर रोड टैक्स इज सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सेवन लैक ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व सो हियर इट विल बी सिक्सटी थाउजेंड वी हैव आफ्टर रूट टैक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ सिक्सटी थाउजेंड सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ सिक्सटी थाउजेंड हमको ही लिखना है तो मैं जस्ट लिख देती हूँ सिक्सटी थाउजेंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस देन वी हैव दिस डीजल कंजम्पशन एटी किलोमीटर पर लीटर इसकी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी हमें तो डीजल कंजम्पशन जो है वो 18 किलोमीटर पर लीटर है तो मैं यहां पे लिख देती हूं कि डीजल कंजम्पशन कंजम्पशन वन लीटर इज इक्वल टू एटीन किलोमीटर वन लीटर इज इक्वल टू एटीन किलोमीटर एंड वी नीड हाउ मच किलोमीटर दैट वी नीड टू फाइंड आउट एंड डीजल प्राइस पर लीटर एक लीटर की कीमत दी है थ्री हंड्रेड रुपीज़ दिस थिंग इज गिवन अब एक लीटर अठारह किलोमीटर के लिए ज़रूरी है हमारा टोटल किलोमीटर सिर्फ किलोमीटर कितना है सेवन हंड्रेड सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड वाई सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड बिकॉज ये जो है दैट इज़ पैसेंजर हम पैसेंजर नहीं लेंगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किलोमीटर की तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एटीन किलोमीटर के लिए एक लीटर चाहिए तो इफ़ वी इफ वी हैव टू रन सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर कितने लीटर चाहिए तो यहां पर जो है आपका आंसर आना चाहिए फोर हंड्रेड लीटर ठीक है फोर हंड्रेड लीटर एक लीटर की कॉस्ट कितनी है थ्री हंड्रेड वन लीटर इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड रुपीज आपको चार सौ लीटर चाहिए तो उसकी कॉस्ट कितनी एंड योर आंसर विल बी वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड राइट ये आपका वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ खर्चा है जो वेरिएबल में है तो मैं यहाँ पर नीचे ही लिख देती हूँ डीजल कंजम्पन वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड कैसे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू एक लीटर इज इक्वल टू एटीन किलोमीटर दिया है एक लीटर इज इक्ल टू थ्री हंड्रेड रुपीज़ है आपको ढूंढना है कि आपके टोटल किलोमीटर के सामने कितने लीटर का यूज़ है आपके टोटल किलोमीटर सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड चार सौ लीटर का यूज है एक लीटर की तीन सौ रुपए हैं चार सौ लीटर के हिसाब से वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ओके दिस इज योर डीजल कंजम्पशन उसके बाद डीजल कंजम्पशन के बाद लुब्रिकेंट ऑयल पर मंथ ही है तो मैं वो लिख देती हूँ एज इट इज लुब्रिकेंट ऑयल इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रेट डाउन दिस एक्सपेंस एज अ वेरिएबल एक्सपेंस कौन से डीजल लुब्रिकेंट एंड डेप्रिशिएशन सो लुब्रिकन टर्टी थाउजेंड और जो एक चीज़ बचती है आपके पास दैट इज़ द लास्ट डेप्रीशियशन डेप्रेशिएशन के लिए आपके पास है कॉस्ट ऑफ द बस सिक्सटी लैख एनुअल डेप्रीशन एटीन परसेंट है तो आप करेंगे सिक्सटी लैख का एटीन परसेंटेज और एनुअल है तो आप उसको ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से आपका डेप्रीशिएशन आएगा नाइन्टी थाउजेंड दैट सेट ये हो गया आपका सारे जो एक्सपेंस है वो आपने लिख दिए अब आप क्या करेंगे आप इनका टोटल करेंगे हम इनका अगर टोटल करते हैं देन वी विल हैव सिक्स लैख टोटल एक्सपेंसेस सिक्स लैख ये जो सिक्स लैख टोटल एक्सपेंस है अगेन आई विल राइट डाउन ये वेरिएबल मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है आप उसमें से देख के भी कर सकते हैं और ये है आपके फिक्स्ड आप ऊपर टाइटल दे दीजिए फिक्स्ड और वेरिएबल के और इस तरह से क्लासिफाई नीचे कर दीजिए सिक्स लेख्स आपके टोटल कॉस्ट आई हमको क्या चाहिए हमको चाहिए पर पैसेंजर किलोमीटर तो उसके लिए हम क्या कहेंगे तो ये सिक्स लेख है चलिए पर पैसेंजर किलोमीटर के लिए हम डिवाइड करेंगे आपके सिक्स लेख को थ्री लैख से पर पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो है सिक्स लाख और आपके टोटल पैसेंजर किलोमीटर है थ्री लाख ये रहे थ्री लाख तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी रुपीज टू दो रुपये हमारी कॉस्ट होती है सो हियर आवर कॉस्ट प्राइज ऑफ पर

ऑन हंड्रेड रुपीज़ सो so, हमारी जो कॉस्ट होगी वो इस हंड्रेड में से माइनस करने के बाद थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री आएगी राइट तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि कॉस्ट अगर थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री रुपीज़ है तो प्रॉफिट हमारा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सेवन रुपीज़ होगा तो अगर हमारी कॉस्ट टू रुपीज़ है तो प्रॉफिट कितना तो आप देख सकते हैं कि डबल हो जाएगा यानी कि आपका प्रोफिट होगा रुपीज़ फोर राइट तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट रुपीज़ फोर होगा तो हमारी जो कॉस्ट है वो है रुपीज़ टू साथ में हमारा प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है वो है रुपीज़ फ़ोर सो यहाँ पर सिक्स रुपीज़ इज़ आवर फेयर वैल्यू यानी कि हमें कस्टमर के पर जो चार्ज करना है वो जो कॉस्ट है हमारी वो सिक्स रुपीज़ पर किलोमीटर आएगी यहाँ पर हमें हर तीनों का अगर हमें फेयर वैल्यू ढूंढनी है तो अहमदाबाद राजकोट के टोटल किलोमीटर टू हंड्रेड किलोमीटर्स होते हैं और हमने जो फेयर वैल्यू ढूंढी है वो सिक्स रुपीज़ पर किलोमीटर है तो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ अहमदाबाद टू राजकोट सेम वे विद द अहमदाबाद टू लिमडी सिक्स सेम मल्टीप्लाइड करना है हंड्रेड किलोमीटर्स है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ एंड सेम वे विद द लोकल लोकल की प्राइस लोकल uh, का फेयर हमें ढूंढने को नहीं बोला है पर अगर हम ढूंढे तो वो भी हमारा आएगा सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ ये एक टाइम का रेंट आया हुआ है एक बार दो सौ किलोमीटर अहमदाबाद टू राजकोट है तो टू हंड्रेड किलोमीटर्स जाने के एक टाइम के ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ होते हैं सो so, ये हमारा आंसर है 1200, 600 जो हमें पूछा गया है राइट right? तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये इस तरह के जब प्रॉफिट दिए हो ऑन टेकिंग टेकिंग को आपको सेल्स प्राइस की तरह समझना है अगर आपको फेयर या टेकिंग uh, नहीं समझ में आता है तो यू शुड अंडरस्टैंड इट लाइक कि दिस इज आवर सेल्स प्राइस तो प्रॉफिट उसके ऊपर होगा तो माइनस होगा तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी आइडली यू हैव अ टेबल लेकिन टेबल अगर याद नहीं रहता है तो दिस इज द बेस्ट वे एज्यूम हंड्रेड प्रॉफिट माइनस करिए और कॉस्ट लाइए कॉस्ट के ऊपर इतना प्रॉफिट तो आपके पास आपने जो कॉस्ट ढूंढी है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना इट इज़ एज सिंपल एज दैट राइट सो आवर आंसर इज ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड रुपीज टू अहमदाबाद टू राजकोट एंड अहमदाबाद टू लिमड़ी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सम है आप इसे करेंगे तो आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इनफैक्ट आपके दूसरे जो सम्स हैं उसकी भी आपकी तैयारी इसके साथ हो जाएगी खास करके ये चीज़ चीज़ इसमें बहुत मायने रखती है आई होप यू अंडरस्टैंड द सम इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी इन कमेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय स्टूडेंट्स